नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल मास्टर माइंड टेक में। दोस्तों, हमारी कार और बाइक के जो हॉर्न होते हैं कुछ दिन बाद वो ख़राब हो जाते हैं और काम करना बंद देते हैं। उसके बाद वो हम निकाल के फेंक देते हैं और नए हॉर्न लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो पुराने हॉर्न है वो हम रिपेयर भी कर सकते हैं और नए हॉर्न लेने के जो पैसे है वो बचा सकते हैं। और रिपेयर करने के बाद वो काफ़ी अच्छी तरह वर्क करते हैं, जैसे नए हॉर्न वर्क करते हैं उसी तरह वर्क करते हैं। तो ये पुराना हॉर्न मेरे पास है, ये रिपेयर करके मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये मेरे पास एक पुराना हॉर्न है, मेरे कार का हॉर्न है ये। तो ये इसने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए मैंने कार को नए हॉर्न लगाए थे। उसका भी वीडियो मैंने बनाया था, आपको आई बटन में उसका नोटिफिकेशन आया होगा, वो चाहिए तो आप देख सकते हो। तो ये मैं जैसे ही लगाता हूँ तो कुछ भी इसमें वर्क नहीं हो रहा है, ज़रा भी ये आवाज़ नहीं कर रहा है। ये देखो, बैटरी पे जो 12 वोल्ट की बैटरी है उसमें मैंने डायरेक्टली इसे लगाया है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस हॉर्न को हमें सबसे पहले खोलना है। इसके 4 स्क्रू होते हैं, कुछ हॉर्न में 6 स्क्रू होते हैं, कुछ हॉर्न रिपेयरेबल नहीं होते, जैसे कि ये पूरा पैक हॉर्न है, ये रिपेयर नहीं कर सकते हम। ये ख़राब होने के बाद हमें ये फेंक ही देना होता है, क्योंकि ये उतनी आसानी से हम रिपेयर नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये 4 स्क्रू में खोल के ले लेता हूँ और आपको अंदर क्या क्या होता है और रिपेयर कैसे करना होता है ये मैं दिखाऊंगा। ये हॉर्न के स्क्रू हमने निकाल दिए हैं। अब इसमें ये देखो, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसमें, जो रेगुलर हॉर्न होता है उसमें ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। कुछ रेगुलर हॉर्न भी आते हैं जिनको हम कॉइल्स पाते हैं, वो भी रिपेयर हो जाते हैं, सेम ही होता है सब अंदर का, सिर्फ ये ऊपर का प्लास्टिक अलग होता है ये वाइट स्टोन हॉर्न में। ठीक है, ये देखो, ये एक होता है। तो हॉर्न ख़राब होने का जो मेन रीज़न होता है ये रस्ट होता है, और इसके जो ये हॉर्न का पॉइंट होता है उसमें कार्बन आ जाता है। इसके कारण ये जो हॉर्न है ये ठीक से ये पॉइंट कांटेक्ट नहीं कर पाता और हॉर्न ख़राब हो जाता है। और ये देखो, ये जो मेटल होता है ना, ये इसके ऊपर प्रेस होता है। हॉर्न वर्किंग कैसे होता है, इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और ये पॉइंट होता है, ये जो हमारे जो हॉर्न का कनेक्शन उसमें सीरियल में लगा होता है। तो ये जो हॉर्न है जब हम ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट इसे खींच लेता है अंदर, इसके अंदर, और खींचने के कारण इसमें कांटेक्ट ये जो है ना, ये पॉइंट का टूट जाता है। इसमें दोस्तों एक ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा होता रहता है ये जो डायफ्रेम है, इसके कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण, और वहाँ ही एक टोन क्रिएट होती है। तो ऐसा एक हॉर्न का वर्किंग होता है। तो ये जो कार्बन पकड़ा है, रस्ट पकड़ा है, इसके कारण ये हमारा हॉर्न ख़राब हो गया है। तो ये इधर से थोड़ा घिसा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा और साइड से लगाएंगे, तो ये साइड इधर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है हॉर्न का, वो भी मैं निकाल के ले लेता हूँ। ये हॉर्न एडजस्टमेंट का स्क्रू होता है, उसको भी मैं निकाल लेता हूँ। तो ये निकल गया, ठीक है। और ये एक स्क्रू है, एक जो हमारा मेन कनेक्टर है ना, उसमें एक स्क्रू होता है, वो भी मैंने निकाल के ले लिया। कुछ और में दोस्तों स्क्रू होते नहीं है, तो उसमें हमें एक जुगाड़ करना पड़ता है, पॉलिश पेपर लेके हमें ही वैसे घिसना पड़ता है जो पॉइंट है वो। ये देखो, ये पॉइंट है ना, अगर स्क्रू नहीं है इधर तो पॉलिश पेपर कट करके इधर बीच में फंसा के हमें थोड़ा सा घिसना पड़ता है वो। तो ये पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो क्या हालत हुई है ये पॉइंट की, एक मिनट। हाँ, ये देखो, ये पॉइंट पे पूरा कार्बन जमा हुआ है, इसके कारण हमारा हॉर्न बंद पड़ गया है। ये देखो, ये भी पॉइंट देखो, दोनों पॉइंट के कारण हमारा जो हॉर्न है उसने काम करना बंद कर दिया। तो ये निकाल के ले लेता हूँ मैं अभी, ये देखो। और ये जैसा निकाला था वैसा ही हमें लगाना है, नहीं तो हॉर्न हमारा शॉर्ट हो जाएगा और रिपेयर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इधर से थोड़ा कट हो गया है, तो ये उल्टा लगा देंगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं। ये देखो, ठीक है, अभी इसको पॉलिश पेपर से थोड़ा सा घिसना है, क्योंकि इसके ऊपर जो कार्बन है वो निकल जाए। चलिए, मैं घिस के लेता हूँ। उसी तरह ये भी थोड़ा घिस के लेता हूँ और कैसे लगाना है ये आपको दिखाता हूँ।
ये पॉइंट हमने घिस कर ले लिया, ये देखो। और जैसे हमने निकाला था उस तरह इसके ऊपर ये इंसुलेटर लगा दिया, और उसके बाद ये वाला, ठीक है, ये कनेक्ट हुआ है क्या एक बार, दोनों एक के ऊपर एक है, ये हमें एक बार देखना है, ठीक है, क्योंकि ठीक से बैठने चाहिए ये, तभी हमारा हॉर्न वर्क करेगा। और उसके बाद जैसे हमने स्क्रू निकाले थे वैसे दोनों स्क्रू हमें लगा देने हैं। और ये जो स्प्रिंग है ये इसमें डाल देनी है जैसे पहले थी। और ये जो हमारा सेटिंग का नट होता है, सॉरी स्क्रू होता है, वो भी लगा के लेना है। ये जो सेटिंग वाला नट है ये पूरी तरह कसना है हमें, क्योंकि बाद में हमें सेटिंग करना पड़ता है हॉर्न पूरा लगने के बाद। ये देखो पूरी तरह ये नीचे ले लेना है। और ये जो स्क्रू है हमारे एक कनेक्टर का, मेन कनेक्टर का, वो भी हमें पूरी तरह टाइट करना है। ये देखो ये पूरी तरह टाइट कर दिया। अब मुझे ये जो पैकिंग है एक यहाँ डालना है, उसके बाद ये डायफ्रेम लगाना है। ये जो पहले घिसा हुआ पार्ट है वो इस साइड मुझे रखना है, देखो ऐसे, और उसके ऊपर हमें ये वाला डायफ्रेम लगाना है। ये चाहे कैसे भी आप लगा सकते हो, देखो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आती, जैसा आप चाहो उस तरह लगा सकते हो। ये मैं लगा के लेता हूँ, और हॉर्न हमारा सेट कैसे करता है करते हैं ये हम आपको दिखा देता हूँ। अब हमने पूरा हॉर्न फिट कर दिया है जैसे हमने खोला हुआ था, ठीक है। अब हमें चेक करना है, ये देखो ऐसा टक टक ऐसा आवाज़ आएगा जैसे हम वायर कनेक्ट कर देंगे तब। तो हमें ये जो सेटिंग का नट था वो हमने पूरा कसा था, अब हमें धीरे धीरे उसे लूज करना है, मतलब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और चेक करना है। थोड़ा थोड़ा घुमा के हमें चेक करना है। ठीक से नहीं बज रहा है, थोड़ा और हमें लूज करना है। ये देखो ये हमारा हॉर्न एकदम रिपेयर हो गया और ठीक से बज रहा है, जैसा नया बजता है वैसा बज रहा है। एक बार आपको बजा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कीजिए। आप भी, आपके पास अगर ख़राब हुआ हॉर्न है तो वो भी रिपेयर करके देखिए, वो भी रिपेयर हो जाएगा। अगर रिपेयरेबल हुआ तो, ये खोलने को ही नहीं आता, वो रिपेयर नहीं होता, ठीक है। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि हॉर्न कैसे रिपेयर करते हैं, और उनके भी कुछ पैसे बच जाए, ठीक है। और आप हमारे चैनल पे नए हो, आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और वो भी वीडियो देख के आप कुछ सीख जाएगी। तो ये वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।